तो ये भजन श्री वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा रचित है। उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु के नृत्य का वर्णन किए हैं। उसमें हम जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा चार जगह पर विद्यमान रहते हैं। इनमें से एक है नित्यानंद के नृत्य, जहाँ नित्यानंद प्रभु पैर उठाए महाप्रभु को आना ही पड़ेगा बरबस। तो ये नित्यानंद प्रभु के नृत्य ये वर्णन करते हैं वृंदावन दास ठाकुर बड़े सुंदर भाव से। तो ऐसे वृंदावन दास ठाकुर के महिमा सर जगत में विदित है, विशेष करके गौड़ीय भक्तों के पास, कि उनका अभूतपूर्व देन हम लोग के लिए है श्री चैतन्य भागवत। श्री चैतन्य भागवत जैसे भगवान कृष्ण के लीलाचरित को भगवान वेदव्यास ने भागवत के रूप में वर्णन किए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जो अभिन्न कृष्ण है उनके लीलाचरित को भी वो वर्णन किए, इसलिए उनके ग्रंथ का नाम श्री चैतन्य भागवत रहा कहा गया है। श्री चैतन्य भागवत को जो पढ़ते हैं तो उसमें ना केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के महिमा, उनके चरित, भक्ति की महिमा, भक्ति के सिद्धांत और गौड़ीय दर्शन का, भक्ति का पुंखानुपुंख मर्मंतुद वर्णन है चैतन्य भागवत में। श्री सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद यहाँ तक कहते हैं कि ऐसे समय आएगा जब सारे विश्व के सारा भाषा भाषी के लोग आ करके बंगाली भाषा सीखेंगे चैतन्य भागवत को पढ़ने के लिए, क्योंकि इतने रसाल ग्रंथ है वो। तो इस ग्रंथ को रचना श्री वृंदावन दास ठाकुर करते हैं। तो इस ग्रंथ के बाद में श्री कविराज गोस्वामी चैतन्य चरित वर्णन किए हैं, और उन्होंने जब चैतन्य चरितामृत लिख रहे हैं हमेशा वह तो कहते हैं कि मैं वृंदावन दास ठाकुर के उचिष्ट भाजन हूँ, उनके श्री चरण को सर में धारण करके उनके जो छुड़ा हुआ उचिष्ट उसी को खाता हूँ मात्र, नहीं तो चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास ये बारम्बार ये कहते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में दोनों ही चैतन्य लीला के वर्णन है। हम अगर देखते हैं उसको तो प्रत्येक अध्याय के अंत में श्री कविराज गोस्वामी कहते हैं रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आस चैतन्य चरित कहे दास कृष्णदास, और दास वृंदावन ठाकुर प्रत्येक अध्याय के अंत में कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तछु पद जुगे गान। केवल नित्यानंद प्रभु की उन्होंने अपने जीवन सर्वस्व मान करके उन्हीं के लिए गान करते हैं, और उन्होंने कहते हैं खोल करके संसार र पार हया भक्ति र सागरे जे डूबीवे से भजुक निताई चांदेरे। वो कहते हैं कि अगर संसार सागर को पार करके कोई भक्ति सागर में डुबकी लगाना चाहता है, ये संसार सागर क्या है आप लोग को सौभाग्यता है डेली डेली के संसार सागर पाया है, कोई भक्ति र सागरे जे डूबीवे से भजुक निताई चांदरे, जो संसार सागर से पार जा करके भक्ति सागर में डुबकी लगाना चाहता है तो एकमात्र उसके लिए कर्तव्य क्या है श्री नित्यानंद फुके चरण जुगल को भजन करना चाहिए नितान चंद्र। अमार प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर ए बड़ा भरसा चित्ते धरि निरंतर। अमार प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर, वृंदावन दास ठाकुर का यही भाव था। वो हमेशा यही सोचते थे कि मैं तो नित्यानंद के दास हूँ, तो फिर भगवान कृष्ण ना हमारे प्रभु के प्रभु हैं, उनके प्रॉपर्टी है। सचमुच श्री महाप्रभु ही खोल कर कहते हैं नित्यानंद प्रभु के बारे में, निताय कौन है ना प्रेम दाता निताय, मैं तो स्वयं प्रेम का ठाकुर हूँ, लेकिन ये प्रेम के देने वाला जो खजांची है जो कैशियर है वो तो नित्यानंद प्रभुपाद उनके हाथ में चाबी, तो इसलिए प्रेम दाता निताय। अगर कोई प्रेम चाहते हैं अब डायरेक्ट बैंक के सामने जाकर झगड़ा करके बैंक दे दो मुझे पैसा कोई देगा, अरे कोई कैशियर होगा तब तो जाकर इनकैश करेगा, तो ये है कैशियर से नित्यानंद प्रभुपा। तो इसलिए बोलते हैं अमार प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर,
हम जिसको हमारे जो प्रभु है उनके प्रभु है श्री गौर सुंदर। ए बड़ा भरोसा चित्ते धरि निरंतर, ये बहुत बड़ा मेरे भरोसा है, बहुत बड़े मेरे में आशा है, इसी को चित्त में हमेशा धारण करता हूँ। इसलिए नित्यानंद प्रभु के शरणागत होकर के वो जीवन पर्यंत श्री नित्याचंद के महिमा गान किए हैं। जब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र वर्णन करने लगे तो पूरा नहीं कर पाए, आवेश में आ गए नित्यानंद प्रभु के चरित्र के कारण, और अंततः अंत में नित्यानंद महिमा गान करके ग्रंथ रख दिए, बोले मेरे से आगे नहीं बढ़ेगा, इतना आवेश में आ गए। तो श्री वृंदावनदास ठाकुर के बारे में इसे कि मदंती है कि उन्होंने साक्षात महाप्रभु की कृपा प्रसाद है। उनके माता का नाम था श्री नारायणी देवी। श्री नारायणी देवी श्रीवास ठाकुर के भातृपुत्री है। श्रीवास ठाकुर जो जानते पंचतत्व में जो हैं, श्रीवास जो नारद जी के स्वयं नारद जी हैं गोलीला में, वो हम तो जानते हैं चार भाई है, श्रीवास श्रीपति श्रीनिधि और श्री राम, लेकिन थे पांच भाई। उनके अग्रज का नाम था नलिनी पंडित। वो पांच भाई थे, लेकिन महाप्रभु के आविर्भाव होने से पहले उनके बड़े भाई नलिनी पंडित का और उनके पत्नी का दोनों का देहांत हो गया था। जब ही उनके एक बेटी था एक साल की उम्र की, एक साल की उम्र की कन्या थी जिनका नाम था नारायणी, वो एक साल के समय में उनके माता पिता दोनों के परमधाम जाना हुआ। तो वो चार भाई रह गए, तो इसलिए शिवास पंडित ही इसी छोटी एक साल की बच्ची को लालन पालन के दायित्व लिए और उन्हीं के होकर रहे भातृपुत्री करके उसको पालन किए। अब नारायण की उम्र केवल चार साल की अवस्था थी। उस समय में शिवास ठाकुर अपने चारों भाइयों के साथ नवद्वीप में, वो तो जगन्नाथ मिश्र के घर के बगल में उनका घर था शिवास आंगन, दिन रात कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। तो इस गांव के लोग बड़े कंप्लेन कर रहे थे, बोली पागल हो गया, अरे चिल्लाता है कीर्तन करता है, क्या भगवान को मन से बोलने से नहीं होता, ऐसे आवाज़ करके क्यों बोलता है, भगवान का नहीं सुनते हैं। कोई लोग बोले अरे तो चतुर्मास है, भगवान सोए भी हैं, वो उनको जगाता है, भगवान जग जाएंगे डिस्टर्ब होंगे तो सारे संसार नाश हो जाएगा, उनके लिए हम सब मर जाएंगे। तो सारे गांव वाले एक दूसरे से बातचीत करते थे कि उनको मार कर भगा दें, उनके घर उखाड़ कर बंगा में बहा दें, उसको कंप्लेन करें। अंततः कंप्लेन किए ही उनके गांव वाले जा करके, तभी जो मुस्लिम सरकार थे काजी साहब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे लोकल, उनके पास जाकर कंप्लेन किए कि इसे इसे कर रहे हैं करके। तो उन्होंने पुलिस भेज करके उनके मृदंग आदि तड़वा दिए, रुकवा दी संकीर्तन। तो उसके डर के मारे शिवास पंडित अब क्या करेंगे, बड़े भाई है, सब डर गए भक्त लोग, खोल खोल भंगार दंगा अब लिखा जब जाएंगे। तो अपने घर में अपने इष्टदेव श्री नृसिंह भगवान को पूजा कर रहे थे, कवाड़ बंद करके अंदर में नृसिंह भगवान के मंत्र जप करके उनको आराधना कर रहे थे। श्री गौर सुंदर अभी केवल 16 साल की उम्र के थे, किशोर अवस्था था, नाम बड़े प्रसिद्ध था निमाई पंडित, पंडित के अभिमान में थे। तो गंगा के किनारे घूमते घूमते देखे कि एक गाय, कुछ गाय चराने वाले ग्वाले घूम रहे थे, गाय आकर के गंगा में पानी पीने के लिए आते हैं, तो उनको देख कर के याद आ गया, कृष्ण स्मरण हुआ और याद आया कि मेरे भक्त कीर्तन कर रहे थे, उनको तकलीफ पहुंच रहे हैं। तो वहीं से आवेश में आकर के मैं वही हूँ बोलते बोलते दौड़ करके आए। दोपहर के समय शिवास ठाकुर के घर के सामने पहुँच गए, पहुँच कर अगर चिल्लाने लगे शिवास तो क्या कर रहा है, शिवास ठाकुर तो अंदर में कवाड़ बंद करके नृसिंहदेव का आराधना कर रहे थे। उनके घर के सामने खड़ा होकर के लात मारे दरवाजे को, दो चार लात मारे दरवाजा थोड़ खोल गया, बोले तू किसको पूजा कर रहा है, तू जिसको पूजा कर रहा है तो देख नहीं रहे, तो बाहर में खड़ा है तो अंदर क्यों बैठा है। शिवास ठाकुर इतने आवाज सुनकर पीछे देख रहे, बोले अरे ये निमाई को हो क्या गया, भूत सवारना हो गया, ये क्या है, एक बार विरासन में बैठ करके चतुर्भुज शंख चक्र गदा, पण बाप रे, शिवास ठाकुर तो आश्चर्यचकित हो गए। अब देखते देखते उनके घर में घुस गए, उनके पूजा के घर में मंदिर में घुस करके, जब भगवान नरसिंह देव अल्टर में थे वेदी पर थे, उनको हटा करके साइड कर दिया, उनके जगह में स्वयं बैठ गए, लो स्वयं नरसिंह स्वयं बैठ गए, बैठ करके बोले मुझे पूजा करो, स्तुति करो मुझे,
बुलाओ सबको घर वालों को पूजा कर। आप विश्वास करे क्या, इतने इतने तेज निकल रहा था भगवान से, इतने विकराल उनके रूप था, उसको देख थर थर कांपने लगे। ओ तो महापंडित थे श्रीवास, तुरंत स्तुति आरंभ किए, स्तव करने लगे भागवत आदि से। अब उनके भाई लोग सब आ गए, बोले क्या डर रहे हो आप, डर रहे हो कीर्तन बंद कर दिया करके। अरे तो बहुत बताने लगे, मैं इसे कर लूँगा उसे कर लूँगा, वो जा करके काजी के घर में पहुँचूँगा, बोलूँगा तेरा जितने मुल्ला पंडित सब बुलाओ, सारे मुल्लाओं को बुलाओ, जितने सारे पंडित पुरोहित है आपका बुला कर बुला, जितने हाथी घोड़े ऊँट सबको बुलाओ, उनको आपने मंत्र कुरान पढ़ करके उनको रुला दे, चैलेंज करूँगा उनको। बुलाओ तो कर नहीं सकते, और मैं उनके सामने ये घोड़े हाथी ऊँट खच्चर को हरि नाम के द्वारा रुला दूंगा। बोले उनके वो काजी, उनके पुलिस, उनके स्टाफ सब भी रोएंगे कृष्ण कृष्ण बोल करके, तब तो मानना पड़ेगा उसको, हाँ तब कैसे रोकेगा। तो शिवा सांडू कंपनी सब ये बात सुन करके, अब क्या सुन ही रहे थे बस, तो महाप्रभु को लगा ये लगता है कि उनको ये तो पागलपने से बोल रहा है, प्रलाप कर रहा है। तो महाप्रभु ऐसे आवेश में बैठकर बोले शिवास तुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इसे करूँगा, करे विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ विश्वास कैसे होगा, तू देखा तो नहीं, मुझे पहचानता नहीं ना, मैं खुद आया हूँ, वो नाड़ा ने मुझे बुलाया और तुम लोग के लिए मैं आया, और तुम अभी तक मैं विश्वास नहीं करते। अब देखो तुझे प्रमाण देता हूँ। उनके परिवार के लोग सब खड़े थे, छोटे से बालिका 5-4 साल की उम्र की नारायणी हुई खड़ी थी। बोले देखो अभी करता हूँ, नारायणी इधर आओ, छोटी सी बालिका आ गया सामने, लोग भीड़, नारायणी बोलो कृष्ण, कृष्ण बोल करके नाचो और रो। तो उसको बोल करके आदेश करते हैं श्रीमन महाप्रभु, तहते बाप अप्रत्यय तुम्ही वास मने साक्षात ही करो देखो आपने नयने। बोले तुझे विश्वास नहीं हो रहा, देखो तेरे से आँख में क्या करता हूँ। सम्मुखे देखय एक बालिका आपनी शिवासर भातृसुता नाम नारायणी। अब सामने देखे शिवास के भाई, बड़े भाई की बेटी नारायणी, 4 साल की बेटी वो खड़ी थी, अब तो हाफपंटी पहनी होंगी। अद्यापि ह वैष्णव मंडले जार ध्वनि चैतन्य अवशेष पात्र नारायणी। अभी भी अभी तक सारे वैष्णव लोग कई कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के अवशेष पात्र श्री नारायणी देवी है। सर्वभूत अंतर्जामी श्री गौरांग चांद आज्ञा कैला नारायणी कृष्ण बोली कंद। सर्वभूत अंतर्जामी श्री गौरांग महाप्रभु तुरंत सबके सामने ये छोटी बेटी नारायण को बोले, नारायणी कृष्ण बोल करके रोने लगो। अब क्या हुआ, कृष्ण बोली कंद चारी बरस रस ही उन्मत चरित हा कृष्ण बोलिया कंदे नाही क संबित। 4 साल की उम्र की छोटी सी बेटी थी, जैसे आदेश पाया महाप्रभु से तुरंत संबित मतलब सेंसलेस हो गई, हा कृष्ण कर रो करके बेहोश होकर गिर पड़ी सबके सामने। अंग वही पड़े धारा पृथ्वी तले, उनके आँख से आंसू बह करके सारे बाहु जुगल से शरीर से होकर के अंग होकर के पूरे धरती भिगा दिया। अंग वही पड़े धारा पृथ्वी तले परिपूर्ण हैल स्थल नयनेर जले। अब आँख से इतना पानी गिरा कि पूरे पानी भर गया, छोटे 5-4 साल की उम्र की बालिका ये महिमा जब देखे, हासिया हासिया बोले प्रभु विश्वम्बर एखना तुम्हारा की बुझिल सबडर। बोले अब तो पता चला नहीं, अब भय उचाना नहीं आपका, अभी डरते हैं क्या, देखा मैं इसे कर सकता हूँ तो जाकर करूँगा, क्यों डर रहे अपने। तो इस प्रकार आश्वासन दिए अपने भक्तों को, भक्त वांछा भक्त भयहारी भगवान श्री गौरांग महाप्रभु। जब भक्त के मन में अपने घर में बैठ कर सोच रहे थे, दौड़ कर आकर के इस प्रकार अभय दान दिए, इस प्रकार किए, और सभी लोग देख करके नृत्य कीर्तन खूब हुआ, महाप्रभु को आरती किए, भोग लगाए, तांबूल दे, पान चुबाते चुबाते अपने मुख से पान निकाल करके नारायण के मुख से दे दिए। वो तो सेंसलेस होकर हार्टफेल होता था, उठता था, कृष्ण कृष्ण बोल करके गिरता था, तो उसके मुंह में दिए तो उठ करके फिर अद्भुत नृत्य करने लगे। और उसी दिन से जब भी महाप्रभु भोजन करते थे तो नारायण जाकर बैठ जाती थी, तो उनके भुक्तावशेषम जो खा कर उनको देते थे।
वो उसको खा देते। ऐसे कहते हैं कि श्री नारायण देवी अपने पूर्व जन्म में कृष्ण लीला में वृंदावन में श्री कृम्बिका नामक दासी थी, जो हमेशा नंद भवन में गोकुल में आकर के नंद नंदन के और उनके सब उचिष्ट खाती थी, उनकी उचिष्ट भाजना तभी भी थी अभी भी है, वही आई। तो भगवान के उचिष्ट भाजन उनके अवशेष पात्र कृपा पात्र श्री नारायणी देवी, इसीलिए उनके कृपा को प्राप्ति करके कृपासिक्त महात्मा दास वृंदावन ठाकुर उनके गर्भ से पैदा हुए हैं। ऐसे उनके बारे में कहा गया, श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद 4 साल के बाद नारायणी देवी का विवाह हुआ। हम जानते हैं जब श्री महाप्रभु संन्यास ले लिए तो इतने दुखद अवस्था हुआ नवद्वीप में, इतने दुखी हुए सारे लोग कि उसके वर्णन ही असंभव है। तो इस दुख के मारे श्री शिवास ठाकुर अपने परिवार सहित बोले हम नवद्वीप में रह नहीं सकते। नवद्वीप को जहाँ देखते हैं सब चैतन्य दिखाई पड़ती है, हम यहाँ रह नहीं सकते। तो आपने घर भिटा बाटी छोड़ करके उन्हें कुमार हट ट्रांसफ़र हो गए। बोले ना, श्री चैतन्य के विरह ये स्थान हमारे लिए रहने योग्य नहीं है। नवद्वीप धाम को गंगा किनारे को छोड़ करके गंगा जी के दूसरे पास वो हाली शहर कुमार हट में चले गए, वहाँ जाकर रहने लगे। जब वहाँ रहते थे तो 4 साल के बाद बेटी नारायणी की उम्र लगभग 16 साल के आसपास हो गई, तभी उनका विवाह हुआ था। कहते हैं कि कुमार हट के आसपास, कोई कहते कुमार हट में या भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते नहीं, मालिनी देवी जो सुभाष ठाकुर के पत्नी थी उनके पिताजी के पितृ आड़ मामगाछी, मामगाछी एक जगह है नवद्वीप में, एक नवद्वीप से एक द्वीप में आता है। आप लोग जो नवद्वीप मंडल परिक्रमा किए होंगे आप गए होंगे, गोद्रुम द्वीप के अंतर्गत मामगाछी है, जहाँ आज भी सारंग मुरारी ठाकुर के पूजित विग्रह भी हैं। और वहाँ उस पास में श्री वृंदावन दास ठाकुर के आपने स्वपूजित श्री गौरनित्या विग्रह भी है, गोड़े मठ है वहाँ है। तो कहते हैं कि वही उनके भिटा माटी था। कैसे उनके नारायणी देवी जो विवाह किए थे, एक ब्राह्मण थे उनके पति राढ़ी ब्राह्मण, जिनका नाम था श्री वैकुंठ दास, उनको विवाह किए। लेकिन ब्राह्मण तो ऐसे दरिद्र होते हैं और उन्होंने कर्मकांडी थे, भक्त नहीं थे, वैष्णव नहीं थे, जो भी हो। तो इसलिए कहते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर अपने पिता का परिचय कहीं नहीं दिए ना, हमेशा उनके माँ का परिचय दिए। बोले कि वो चैतन्य चरण में आश्रय नहीं लिए थे, इसलिए मैं उनको स्वीकार नहीं करूँगा। तो ऐसे हुआ कि नारायणी देवी जब अपने ससुराल में थी और गर्भवती अवस्था में थी, तब उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। बताइए, ये सीरीज चल रहा है। उनके माँ के नारायणी देवी का वही हाल हुआ था, जब 1 साल के उम्र की थी तभी उनके माता पिता देहांत हो गया, अब तो पैदा भी नहीं हुए थे वृंदावन दास ठाकुर। वो गर्भ में थे, नारायणी गर्भवती थी, ताकि उनके पति के देहांत हो गया, वैकुंठ दास जी चल बैठे। तब इस अवस्था में, दारिद्र अवस्था में क्या करे, तो उनको अपने घर में आ गई, अपने चाचा शिवास पंडित के घर में आ गए। शिवास जी का तो अपना ये नहीं होता था, महाप्रभु निराचल में है, उनके विरह में अपना होश नहीं रहता था, वो क्या पालन पोषण करेगी, कुछ नहीं देखता था उन्होंने। तो इसलिए मालिनी देवी शिवास पत्नी, उन्होंने इस छोटी गर्भवती नारायणी को लेकर के अपने पिताजी के घर चले गए, मामगाछी गए, जाकर वहाँ रहे, वहाँ रह करके उनके देखभाल किए, गर्भवती नारी को खान पान व्यवस्था करना चाहिए। तो वहीं पर उनके वृंदावन दास ठाकुर के आविर्भाव हुआ। और लगभग पौगंड अवस्था तक 10-11 साल तक, ऐसे कहते हैं कि वो मामगाछी में वहीं पर उन्होंने अपने बाल्य लीला किए और शिक्षा दीक्षा आदि सब किए। श्री नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र हैं वृंदावन दास ठाकुर, तो उन्होंने वहीं शास्त्र आदि अध्ययन किए। और वहीं पढ़ने के बाद जब सभी माँ भी चली गई, बाकी सब चले गए, ऐसे तो कहा गया कि जब वृंदावन दास ठाकुर के जन्म हुआ था तब महाप्रभु के संन्यास लेने का बाद में ही हुआ था। तो कहते हैं कि जब महाप्रभु अपने अप्रकट लीला की तब वृंदावन दास ठाकुर केवल 20 साल के उम्र के थे, तो उन्हें पूरी नहीं जा पाए थे,
महाप्रभु के दर्शन नहीं कर पाए अपने जीवन में। तो श्री नित्यानंद प्रभुपाद महाप्रभु के बाद में जो नवद्वीप में थे, तो नित्यानंद प्रभु के दर्शन किए थे और उन्हीं के कृपा प्राप्त किए थे, उन्हीं के द्वारा दीक्षित थे, उनके अंतिम शिष्य है। नित्यानंद प्रभु के सबसे लास्ट डिसाइपल उनके पार्षद है वृंदावन दास ठाकुर। ऐसे वर्णन है कि नित्यानंद प्रभु के बाद में उनके शक्ति श्री जाह्नवा माता के साथ श्री वृंदावन दास ठाकुर का घनिष्ठ संबंध था। श्री जाह्नवा माता के साथ उन्होंने खेतड़ी उत्सव गए थे, द फास्ट गौर पूर्णिमा फेस्टिवल इन द प्लैनेट। इस भौतिक संसार में सबसे पहले गौर पूर्णिमा उत्सव जो हुआ था, जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने किए थे, खेतड़ी उत्सव करके बड़े प्रसिद्धि है, वहाँ पर जाह्नवा माता के साथ में श्री वृंदावन दास ठाकुर भी गए थे और बड़े बड़े भक्त, पूरे भारतवर्ष से जितने बड़े बड़े भक्त सब गए थे, उसमें श्री वृंदावन दास ठाकुर भी थे, जाह्नवा माता के साथ गए थे। तो इस प्रकार श्री वृंदावन दास ठाकुर ये सब जाह्नवा माता के संग, बड़े बड़े भगवान के पार्षद के संग करके चैतन्य लीला वर्णन के लिए, वर्णन करने के लिए उनका मन में बड़ा इच्छा हुआ। बड़े पंडित तो थे ही, लेकिन तभी नवद्वीप में भी बहुत कट्टर कर्मकांडी लोग सब थे, महाप्रभु के समय भी थे, तभी भी थे बहुत। तो इसलिए मामगाछी में जब उन्होंने चैतन्य चरित्र लिखने को शुरू किए थे, तो वहाँ उनको बड़े तकलीफ हुआ, लोग बहुत क्रिटिसाइज किए, बोले तू ब्राह्मण के पुत्र है, ये क्या कर रहा है, ये सब कर रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि उन्होंने पौगंड अवस्था के बाद, अपने किशोर अवस्था के समय में, उन्होंने गोद्रम द्वीप छोड़ करके वर्धमान जिला में एक स्थान है जिसका नाम है देनूड़, और देनूड़ में चले गए। वह उनके केवल दो ही तीन शिष्य हैं, उनके प्रधान शिष्य का नाम है राम हरि, उनके साथ रह करके वहीं भजन करते थे, वहीं अपने ग्रंथ पूर्ण किए। ग्रंथ का नाम रखे थे श्री चैतन्य मंगल, चैतन्य मंगल नाम रखे थे, लेकिन बाद में जब श्री चैतन्य चरित रचना हुआ कविराज गोस्वामी के द्वारा, तब सब वैष्णव लोग बैठ करके विचार करने लगे, बोले सचमुच जो महाप्रभु के असली व्याख्या है, उनके भगवत्ता है, उनके भगवत्ता के वर्णन तो भागवत में ये चैतन्य मंगल में लिखा है, उनके भगवत्ता के बारे में ये तो केवल उनके प्रेम लीला के बारे में लिखा है। तो इसलिए वस्तुतः इस ग्रंथ का नाम श्री चैतन्य भागवत होना चाहिए, और कविराज गोस्वामी के ग्रंथ का नाम श्री चैतन्य चरित है, और उसके बाद में श्री लोचनदास ठाकुर जो ग्रंथ लिखे उनके नाम से चैतन्य मंगल हुआ। इस प्रकार उनके ग्रंथ का नाम पहले चैतन्य मंगल था, उसको सारे वैष्णव मंडली बैठ करके विचार करके उसका नाम चैतन्य भागवत रखे। तो इस प्रकार श्री चैतन्य भागवत की जो आप कोई पाठ करते हैं, तो इसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जो वर्णन प्राप्त होता है, और तत्कालीन श्री नवद्वीप धाम की जो अवस्था है, विशेष करके चैतन्य भागवत में महाप्रभु के नवद्वीप लीला का वर्णन मिलता है, उनके जन्म से लेकर के संन्यास पर्यंत, और बड़े विस्तृत रूप से वर्णन किए हैं। एक एक लीला को इतने सुंदर, इतने सावलील, सरल ढंग से उन्होंने बंगाली भाषा में वर्णन किए हैं। वही उनके सरलता, उनके प्रांजलता, वही उनके विद्वता के परिचय है। इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं कि ये भक्ति के सबसे उन्नत कोटि के रसमय ग्रंथ हैं, और भगवत भक्ति, कृष्ण भक्ति को कैसे उन्होंने हर अध्याय में उनको वर्णन किए हैं। भगवान की जो संन्यास लीला, नित्यानंद प्रभु के साथ गौरांग महाप्रभु के जो मिलन है, महाप्रभु के बाल्य लीला, महाप्रभु के संन्यास लीला, ओहो हो अति मर्मंतुद है। इसी सब के कारण श्री चैतन्य भागवत को सभी गौरांग महाप्रभु के पार्षद भक्तगण ने अति श्रेष्ठ करके विवेचित किए हैं। श्री कविराज गोस्वामी यहीं तक कहते हैं कि कोई चैतन्य भागवत नहीं पढ़ा तो चैतन्य महाप्रभु क्या समझेगा, नहीं समझ सकता। तो उन्होंने अपने मुख से, यद्यपि श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता श्री कविराज गोस्वामी है, लेकिन अपने मुख से वो कहते हैं, कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास, वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल, जहर श्रवणे नाशे सर्व अमंगल, जहर श्रवणे नाशे सर्व अमंगल, चैतन्य निताई जाते जानिए महिमा, जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांत रसीमा।
भागवते जत भक्ति सिद्धांतेर सार लिखिया चेन इहा जानी करिया उद्धार चैतन्य मंगल सुने जदि पाषाणी जवन सेह महावैष्णव हय तत्क्षण। यहाँ तक कहते हैं कबीराज गोस्वामी, कहते हैं उनके वृंदावनदास ठाकुर के रचित ग्रंथ के बारे में, बोलते हैं कि कोई सी चैतन्य भागवत जिसको चैतन्य मंगल कहते हैं, अगर कोई चैतन्य मंगल सुने यदि पाषाणी जवन, बोले महाद्रुत पाषाणी जवन भी अगर सुन ले चैतन्य भागवत को, तो उसका क्या होगा ना, महा महा वैष्णव हय तत्क्षण एट वंस, तुरंत उन्होंने महान वैष्णव बन जाएगा। केवल चैतन्य भागवत के श्रवण मात्र से वृंदावनदास ठाकुर का इतने पोटेंशी था उनके रचना का। मनुष्य रचिते नारे ऐसे ग्रंथ धन्य, बोलते कोई मनुष्य में ये संभव नहीं, मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं हो सकता किस प्रकार ग्रंथ को रचना करे। मनुष्य रचिते नारे ऐसे ग्रंथ धन्य वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य, बोलते वृंदावन दास के मुख केवल निमित्त था, असली वक्ता कौन थे, श्री चैतन्य महाप्रभु थे। वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य, वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार ऐसे ग्रंथ करीति हों तरिला संसार, बोलते हैं वृंदावन दास के श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम है जो ऐसे ग्रंथ करके समग्र संसार को उद्धार कर लिए। तरिला संसार तारा की अद्भुत ची चैतन्य चरित वर्णन जहारा श्रवणे शुद्ध कैल त्रिभुवन, उनके अद्भुत चैतन्य चरित वर्णन जिसमें सुन करके पढ़ के त्रिभुवन पवित्र हो जाता है। विशेष करके चैतन्य चरित में महाप्रभु के बारे में तो है, लेकिन ज़्यादा से नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णन है। नित्यानंद प्रभु का, और नित्यानंद प्रभु ट्रेजर हाउस है महाप्रभु के, महाप्रभु के जो असली धन है वो धन के धनी थे नित्यानंद प्रभु। तो इसलिए से वृंदावनदास ठाकुर केवल चैतन्य भागवत नहीं, वो अनेक गौड़ीय भजन की भी लिखे हैं, और सारे भजन में प्राय श्री नित्यानंद प्रभु के वर्णन किए हैं। संन्यासिला के वर्णन ओ लीलम, और मुख्यतः नित्यानंद प्रभु के वर्णन और नित्यानंद प्रभु के नृत्य के वर्णन, जब हम अभी जो बोले, अभी जो भजन पाठ किए, कितने सुंदर भाव से वर्णन किए हैं। तो इस प्रकार श्री वृंदावनदास ठाकुर के स्थिति थे। हम देखते हैं कोई भगवान के कृपा पात्र हेरिडेटरी, वो नहीं, उनके माँ, उनके वंशधर, उनके चाचा, पिता, ताऊ सब भगवान के अनन्य भक्त थे। ऐसे अनन्य भक्त हो करके भक्त परिवार में, भक्ति के परिवेश में, और भगवान की धाम में, गंगा जी के किनारे इस प्रकार प्रकट होने के बाद भी दुख की कोई हिसाब नहीं। देखिए हम बोले भगवान की कृपा हो गया, फिर क्या है, फिर क्यों तकलीफ होता है, मैं दीक्षा ले लिया फिर ही मुझे कष्ट हो रहा है, फिर मुझे परेशानी है, बेकार, ये छोड़ के दूसरी जगह जाओ, यहाँ तो मेरा काम नहीं बनना है, सुख नहीं प्राप्त होता है, फिर कैसे, ये देखिए। ये कहते हैं श्री वृंदावनदास ठाकुर के जीवन में हम ये देखते हैं, उनके जन्म होने से पहले उनके माँ श्री नारायणी 1 साल की उम्र में माता पिता का विच्छेद रहा। किस प्रकार के उन्हें बड़े हुए अपने चाचा ताऊ के साथ, चाचा जी के साथ, और उनके घर से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, विवाह भी होता है कहीं, तो वो भी इस प्रकार, और वो भी चल बैठते हैं गर्भवती अवस्था में। इसी अवस्था में ऐसे वर्णन आता है कि उनको अपने भोजन के लिए भी जुटाने के लिए संभव नहीं था उनके पास, तो उन्हें दूसरे के घर में काम करती थी नारायणी देवी। नारायणी देवी दूसरे के घर में जाकर काम करके, जो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं आजकल जो सब मेड, तो ऐसे बन करके जो उपार्जन होती थी, इस प्रकार वृंदावनदास ठाकुर को लालन पालन किए करके ये उनको शिक्षा दीक्षा कराए थे। तो इसे नहीं है, जो जीवन से शुरुआत में जो दुख नहीं चखा वो आगे चढ़कर सुख कैसे प्राप्त करेगा। इस अत्यंत के सुख को पाने के लिए दुख आवश्यकता है शुरुआत। भगवान गीता में कहते हैं कि जो शुरुआत में विष जैसा है
वह परिणाम है अमृतोपमम जतोदग्रे विषमिव। और जतोदग्रे अमृत, जो पहले पहले बड़ा मीठा बढ़िया लगता है सुख, वो बाद में जा करके महाहलाहल विष बनेगा। तो इसलिए ये सब चरित आस्वादन करके हम पता चलता है हमको भक्ति के शुरुआत में जितने तकलीफ जितने कष्ट जितने दुख भोग लें वही हमारे लिए भलाई है, आगे चल कर के वही हमारा मंगल होगा इसी के द्वारा। अगर हम अभी केवल सुख की कामना करेंगे सुख की आशा करेंगे तब परिणाम विषमिव। जब शुरुआत में इसे बढ़िया बढ़िया होता है तो आगे चल कर के खूब मैंने। तो इसलिए हम देखते हैं प्रत्येक नारद जी भी, नारद जी के चरित्र में हम देखते हैं उन्होंने भी जन्म से दासी पुत्र थे। नारद बनने से पहले जो उनका जीवन था वो एक दासी पुत्र थे, पिताजी के एड्रेस ही नहीं था, जैसे वृंदावन दास ठाकुर के पिताजी का एड्रेस ही नहीं, उनका ही नहीं था। तो उन्होंने भी एक दासी बनकर के उनके माँ उनको शूद्राणी थी वो उनको लालन पालन करती थी, लेकिन किसी प्रकार से उनको महाभागवत के संग प्राप्त हुआ, उनके उचिष्ट प्राय ये सब करके किस प्रकार हुए। वो तो नारद जी उचिष्ट खा करके भजन किए, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर के उचिष्ट तो उनके माँ खाई थी उनके बचपन में, और वो पोटेंसी इतना था क्योंकि ये तो कोई भक्तों के उचिष्ट नहीं है ना, वो तो साक्षात भगवत प्रदत्त है, भगवत प्रसाद है। तो प्रसाद का महिमा नष्ट कैसे होगा, वो नष्ट है नहीं अविनाशी है, इसलिए भक्ति भी अविनाशी। भगवान के लिए की गई प्रत्येक क्रिया अविनाशी है, न अभिक्रम नाश अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते, इसमें कुछ नहीं है। तो इस प्रकार श्री वृंदावन दास ठाकुर यद्यपि अपने माँ छोटी सी उम्र में भगवत प्रसाद पाई, भगवत कृपा प्राप्त की, प्राप्त नहीं की पूरे पब्लिकली और कृष्ण भक्ति के सरोवर होकर के रो रो करके सेंसलेस हो पड़ी थी 4 साल की उम्र में नारायणी देवी। अब उनके एकलौता बेटा वृंदावन दास ठाकुर क्यों नहीं बड़े होंगे। तो इसलिए श्री चैतन्य चरित के जो वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य, श्री वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ही उसको रचना कर रहे हैं, आपने चरित स्वयं आपने लिखते हैं आत्मकथा। तो इस प्रकार दास वृंदावन ठाकुर ऐसे उनके चरित पता चलता है कि उन्होंने नित्यानंद प्रभु के शरणागत होकर के अब अलग होकर के अपने धाम से हट करके देनुड़ ग्राम में रह करके भजन किए, कोई ज़्यादा शिष्य इकट्ठा नहीं किए हैं ऐसे पता चलता है। केवल 3 ही उनके शिष्य थे जिनमें से उनके सेवक जो थे रामहरि जो उनके साथ में थे, ऐसे कहा गया। अभी भी देनुड़ ग्राम में श्री वृंदावन दास ठाकुर के श्री श्रीपाठ पाठबाड़ी है जहाँ पर श्री रामहरि के वंशज लोग अभी भी वहाँ सेवा पूजा कर रहे हैं, उनके जो सभी विग्रह थे वो भी हैं। अब वो तो उनके संसार परिग्रह का कोई वर्णन नहीं है। वृंदावन दास ठाकुर वो भी गृहस्थ आश्रम स्वीकार नहीं किए थे, वो भी परम वैरागी थे। तो रह करके उन्होंने श्री नित्यानंद चरण को भजन कर रहे थे। तो इसलिए हरेक रचना में वो यही आशा रखते हैं, वही प्रार्थना करते हैं कि अगर कोई इस संसार सागर से पार पाना चाहता है, अगर इस जीवन को सफल करना चाहता है, अगर कोई भक्ति प्राप्त करना चाहता है, अगर राधा कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना चाहता है, तब निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल से नित्यानंद प्रभु के शरण जुगल के शरण में जाना चाहिए, और स्वयं नित्यानंद के शरण में रह करके और स्वयं उसको अनुभव करके। आपने अनुभव के बात को प्रकाश किए हैं उनके भजन के द्वारा, उनके लेखनी के द्वारा, और इस प्रकार एकांत भजन करके केवल श्री नित्यानंद प्रभु के शरण में रह करके एकांत भजन करके उन्होंने अपने जीवन को सफल किए हैं। सब कुछ हम देखते हैं नित्यानंद प्रभु। अब ऐसे तो महाप्रभु कृपालु है ही हैं, लेकिन उनसे भी कुछ ज़्यादा कृपालु महाप्रभु को देखते हैं। इस चैतन्य भागवत में अगर आप पढ़ेंगे जगाय माधाई उधार, जगाय माधाई के बारे में तो ये भजन भी लिखे हैं वृंदावन दास ठाकुर ने, इसमें प्रमाणित होता है कि श्रीमान महाप्रभु उनको मारने के लिए चक्रावहान करते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु जिन्होंने उनको मारा, मार करके सर फोड़ दिया, सर से ब्लड गिर रहा था, ऐसी हालत में जो उनको गाली दे करके मारा था, चास्टाइज किया था,
उनके लिए, वो तो महामूर्ख था, उनको मार करके सर तोड़ दिया, उनके लिए महाप्रभु प्रार्थना करते हैं। बोले नहीं माफ़ कर दीजिए। अरे तुझे वो मारा, गाली दे रहा है अभी भी। बोले ठीक है, उनके स्वभाव, वो मारेगा गाली देगा, मैं मेरे स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूँ। आप ही नहीं तो आए मेरे साथ में, इस अवतार में अस्त्र ही नहीं लाए, फिर हम मारने चलेंगे। कलयुग में अगर आप दुष्ट को बद्ध करना चाहेंगे अस्त्र के द्वारा, तो सारे सांप, कोई एक भी नहीं बचेंगे, सारे दुष्ट है, कोई शिष्ट है ही नहीं कलयुग में। अब दुष्ट को मारने जाएंगे तो एक भी नहीं बचेंगे। तो इसीलिए तो आपने इस महाकृपा अवतार, महावदान्य अवतार लेकर आए हैं। अब कृपा के द्वारा आपने ये जो महाअस्त्र, आप अति आकर्षक रूप है आपका, इसके द्वारा आकर्षित करके उनको सुधार करेंगे। तो आप फिर चक्रवान क्यों करते हैं? क्योंकि महाप्रभु भक्त के कष्ट को देख करके नियम तोड़ सकते हैं। भगवान के स्वभाव है, भक्त के प्रति कुछ भी कर सकते हैं। नित्यानंद प्रभु उनके साक्षात अभिन्न शरीर है, उनके ऊपर कोई कष्ट किया वो कैसे संभालेंगे? सारे नियम वचन तोड़ करके चक्र आह्वान केवल मार डालूंगा, संहार अभी कर डालूंगा जो भी हो। तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से भी और अति कृपालु है। ऐसी अवस्था में मार खा कर भी जो प्रेम दान करते हैं, मार खाए प्रेम दे, आपने गाली खा कर क्रिटिसाइज होकर मार खा करके, हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु दोनों जाते थे प्रचार में, उनको भेजा जाता था। बताओ ऐसे हम कहते हैं वो सब कोई बैठ बैठ करके भजन करते हैं, कहीं नहीं जाऊंगा, रुद्धत बार भजनम। आप जितने कोई भजन करे हरिदास ठाकुर की तरह तो कर नहीं सकते, इतना कौन करेगा भाई। इसलिए तो साक्षात भगवान ईश्वर उनको नाम के आचार्य माने। 192 राउंड्स इस प्रकार अवस्था में कितने निष्ठा नाम के प्रति सक, तो उनको भी आप बताओ। हम तो 16 माला में दिन रात 24 घंटा मात मार जाता है, और वो 3 लाख नाम करेंगे, टाइम ही शायद हम लोग करने बैठेंगे तो 24 घंटा तो कम ही पड़ेगा, हमारे लिए कम पड़ेगा। लेकिन वो 3 लाख नाम करते थे, फिर शरीर की आवश्यकता कब करते थे उनको? महाप्रभु बोले सुना सुना नित्यानंद, सुना हरिदास, हमार आज्ञा सर्वत्र कर प्रकाश। बोले ये नहीं चलेगा बैठे बैठे भजन करना, जाओ गो आउट प्रीचिंग, प्रीचिंग इज एसेंस। उनको भेज दिया, बोले जाना पड़ेगा, ये चलेगा नहीं मेरे को बैठ के भजन करना। किसको भेजे? श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर को, उनसे और महा अवधूत नित्यानंद प्रभु। अगर उनको भाई छोड़ दो, सीनियर ड्यूटी है, नहीं यू हैव टू गो, दोनों को भेज दिए। और गए तो गए नित्यानंद प्रभु लेकर संग में चले गए जगाए माधाई के पास। लो पहले दिन तो ऐसा हुआ उनके आटा को देख करके हरिदास ठाकुर तो हाँप कर भाग कर दौड़ कर आए, आके रिपोर्ट दिए बच गया, ये पागल के साथ मुझे भेज दिए, तो हाजी कैसे बच कर के आया, हमारा तो हाजी स्वाहा हो जाता। रिपोर्ट हरिदास ठाकुर ने ला कर दिए। अब बोले बोले भाई श्रीपाद ऐसा मत करो, वही रास्ता मत जाओ, लोग मना कर क्यों गए? और दूसरे दिन फिर वही रास्ता में गए हरिदास ठाकुर। भैया मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाता भाई, इतने काल ही का एक्सपीरियंस भूल गया, भाग भाग करके चप्पल चप्पल फिर पहनते नहीं होंगे, जो भी हो इसी हालत में फिर भी आज फिर हुई रास्ता में। लेकिन भले हरिदास ठाकुर न गए रह जाए, नित्यानंद प्रभु अत्यंत कृपालु है, फिर भी गए। जान करके लोग सभी मना कर रहे थे, सबके वारण निवारण सत्व काल का एक्सपीरियंस था, कितने बदमाश है, कितने अटैक करने के दौड़ते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, इतने मूढ़ अज्ञानी, इससे टेररिस्ट के सामने वो फिर भी गए। और जा करके क्या किए, उनके द्वारा अटैक्ड हो करके तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता खिप्ता हतापिच, ये सब कुछ होकर भी भगवान से प्रार्थना करके उनको प्रेम दे दिए, और एडवांस ऑन द स्पॉट उनको कृष्ण प्रेम सरोवर कर दिए, ऐसे दे दी ये शक्ति, ये प्रभाव था नित्यानंद प्रभु। तो इस प्रकार ऐसे अनंत कृपा संपन्न, अनंत शक्ति संपन्न, अनंत दयालु से नित्यानंद प्रभु के चरण में जो शरण में गया, तो उनका कैसे अकल्याण हो सकता है? तो वृंदावन दास ठाकुर आपने जीवन में, आपने लेखनी भजनी अभिज्ञता में केवल यही भाव को व्यक्त करते हैं कि कोई भी अगर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, कल्याण प्राप्त करना चाहता है और करना चाहता है,
तो कृष्ण भक्ति का जो असली रहस्य है, भक्ति योग है, कृष्ण के लिए रोना, वो केवल प्राप्त होगा नित्य चरण के शरण के बल से, और कहीं उपाय नहीं, और कोई उपाय। इसी तथ्य को बारंबार उन्होंने अपने लिखन के द्वारा व्यक्त किए हैं। वही भाव से भावित होकर के उन्होंने ऐसे नित्यानंद के अत्यंत शरणागत भक्त के रूप में श्री वृंदावन दास ठाकुर आज की तिथि में ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि में आज से नित्यानंद धाम को प्राप्त किए होंगे, किए हैं। तो आज उनके इस परम पावन तिरुभाव तिथि में हम सभी नालायक आविर्भाव तिथि में हम तिरुभाव लिखा है, तिरुभाव है, पता नहीं आविर्भाव की तिरुभाव भक्तों के लिए दोनों एक ही है, वो आने में खुशी जाने में भी खुशी, कोई भाव तिथि मान लो, आविर्भाव ना कहो तिरुभाव ना कहो, कई कहते हैं डिसअपीयरेंस, कहते हैं अपीयरेंस, है ना, नहीं अपीयरेंस तो है, डिस निकाल दो तो अपीयरेंस रह जाएगा, डिस जोड़ दो डिसअपीयरेंस हो जाएगा, उसमें क्या है, है ना, नहीं तो अपीयर तो है ही है। तो इस प्रकार के उनके तिथि में हम उनके श्री चरण में प्रार्थना करेंगे कि नित्य चरण तो हमसे दूर है, कम से कम आपके श्री चरण के प्रति हमारा रतिमति हो जाए, है ना, नहीं तब दासर अनुदास। अब गौरांग महाप्रभु के दास है नित्यानंद प्रभु, दास अभिमान उनका है, तो उनके अत्यंत श्रेष्ठ दास के रूप में हम जानते हैं वृंदावन दास ठाकुर। अब उनके ऐसे दासों के अगर चरण में हमारा रतिमति हो जाए तभी हमारा जीवन निश्चित रूप से कल्याण हो सकता है। इस प्रकार के आज श्री वृंदावन दास ठाकुर की तिथि में उनके श्री चरण में हम लोग की श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे कि उनके चरणाश्रित कोई भक्त के कृपा हमको प्राप्त हो जाए और उनके द्वारा हम श्री नित्यानंद प्रभु के चरणाश्रित होने के लिए प्रयास करें। श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री गौरांग महाप्रभु की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, हरे कृष्ण।